भाई ये इसमें तो आलू की स्टफिंग है। भाई साहब दाल ही दाल है। समोसे में इससे पहले मैंने दो नहीं देखी। बहुत मस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, कमाल है, शानदार है, जवाब है। तो भाई गर्मा गर्म समोसा है, मिर्ची वड़ा है, भैया दाल की कचौड़ी है और यह है प्याज की कचौड़ी। ये गर्मा गर्म जलेबी देसी घी वाली। आज हम हैं कहाँ पर, जयपुर में शंकर समोसा वाले के पास। भैया 46 साल पुरानी दुकान है और हम जल्दी से आ गए हैं जयपुर आते ही इनके पास। और इना एक्साइटेड लग रही है मिर्ची वड़ा खाने के लिए, है कि नहीं? मिर्ची वड़ा वो भी राजस्थानी और वो भी जयपुर में आकर, इससे ज्यादा ऑथेंटिक टेस्ट कहाँ मिले। खा के दिखा जल्दी से कैसा, ये देखिए पूरा एक बार में खा जाओ। आधा थोड़ा, अच्छा पहले खोल के दिखाओ। भाई ये इसमें तो आलू की स्टफिंग है। अंदर से मिर्ची का साइज देख, ये है असली मिर्ची वड़ा। इसका प्राइस है 25 रुपए भैया। अब मैं इनकी ये प्याज की कचौड़ी, राजस्थानी प्याज कचौड़ी खाने के लिए जो हम दिल्ली से जयपुर तक एक्साइटेड होते आए थे और इसके किस्से गाते आए थे। बिल्कुल, इसका एक तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से एक्चुअल में इसमें है क्या। जबरदस्त भाई साहब, ऐसी कचौड़ी नहीं देखी भैया, मैं कह रहा हूँ जल्दी आ जाओ, आपने भी नहीं देखी होगी। बोलते ही जो मसाले की महक आई है, जबरदस्त जबरदस्त। 20 रुपए की इतनी बड़ी कचौड़ी, इतनी भरी हुई कचौड़ी नहीं मिलेगी। और ये अब मैं दाल की कचौड़ी आपके सामने खोलने जा रही है, दिखने में नॉर्मल कचौड़ी लग रही है। नारियल पानी में से पानी की आवाज आती है, वैसे कचौड़ी के अंदर से दाल की आवाज आ रही है। अच्छा ये दाल की कचौड़ी है 20 की, प्याज वाली है 25 की। ये खोलो जल्दी। या मैं तो कह रही हूँ इसमें एक जीरो आगे ऐड कर दे या एक नंबर आगे ऐड कर दे तो भी ये वर्थ है खाने के लिए, डोंट यू थिंक। भाई साहब दाल ही दाल है। अच्छा इतनी जो स्टफिंग है, इतनी भर के भाई कचौड़ी कहीं देते हैं क्या? नहीं देते तो लग रहा है। अगर मैं इनफैक्ट मैं अगर घर में भी बनाऊंगी तो इतनी दाल की स्टफिंग तो मैं 5 कचौड़ियों में कर दूंगी। हाँ तो सोचे कि दाल खत्म हो जाएगी। नहीं दाल खत्म नहीं हो जाएगी, मुझे लगेगा उतनी इनफ है। इनफ है, इन्होंने इतनी सारी डाली है। अच्छा पहले मैं समोसा भी खोल के आपको दिखाने वाली हूँ कि उसकी स्टफिंग कैसी है, और उसके बाद में खा के एक एक चीज आपको बताऊंगी कि किसके स्वाद में क्या खास है। शंकर समोसा, दे आर एक्चुअली फेमस फॉर समोसा। वाओ यार खुशबू मसालों की देख, और ये लाल वाली जो राई कहते हैं आई गेस है ना, समोसे में इससे पहले मैंने तो नहीं देखी। बिल्कुल, और साथ में जलेबी है देसी घी की। सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं हम प्याज की और करारी है। बिल्कुल प्याज कचौड़ी ट्राई करने वाले हैं। देखिए भाई साहब ये देखिए, ये प्याज कचौड़ी है यहाँ पर और मैं खाने वाला हूँ शंकर कचौड़ी वाले की प्याज कचौड़ी। पकड़ ले इसको एक बार। वाह भाई साहब सही, इसमें कॉर्न भी डला हुआ है। कॉर्न तो भाई मैंने देखा ही नहीं कभी आज तक प्याज में डला हुआ, प्याज कचौड़ी में डला हुआ। ये देखो ये भाई लाल और हरी चटनी के साथ ये सर्व देते हैं ना। अल्टीमेट टेस्ट है। मतलब ये सर मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया। कितने साल से आ रहे हो? मैं 3-4 साल हो गए। और आपको भैया? मेरे 5 साल हो गए खत्म। 5 साल हो गए, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जलेबी के साथ कचौड़ी खाते हैं, जयपुर में ये रिवाज है। हाँ जयपुर वालों का टेस्ट ही यही है कि मीठा और नमकीन एक साथ खाएंगे। ये खाएंगे फिर ये खाएंगे साथ में, इसके बिना अधूरा है, हमारा हर चीज अधूरा है। अच्छा अच्छा पहले ये कचौड़ी खाई इन्होंने मैंने देखा, फिर भैया ने जलेबी खाई। जलेबी खाई, मैं भी ऐसी खाऊंगी। तू खा जल्दी से। मैं पहले मिर्ची वड़ा खाऊंगी। आलू की स्टफिंग है भाई इसमें तो। मिर्ची भी तोड़ूंगी इसके अंदर में। यह मिर्ची बड़ी मोटी है, ये मिर्ची है, ये आलू का मसाला है, इसमें थोड़ा मैं और ऐड ऑन करूंगी। अब मैं इसमें ये हरी चटनी और लाल चटनी मिक्स करूंगी। एंड नाउ आई विल ईट, एंड आफ्टर दैट आई विल ईट जलेबी इसके ऊपर से। मस्त है, बहुत मस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, कमाल है, शानदार है, जवाब है। मटर भी डली हुई है। या इसकी मिर्ची का स्वाद देख तू, तूने दिल्ली में ये वाली मिर्ची का स्वाद नहीं लिया होगा, बहुत तीखी है, बहुत तीखी है, बहुत तीखी है। इतनी मोटी मिर्ची देख के ही लग जाए किसी के आंसू आ जाएंगे भाई। उसको तो
मगर क्या लाजवाब स्वाद है मिर्ची का, बिल्कुल भी देखी नहीं है। Obviously. बहुत बढ़िया, मुझे डरा रही थी, देखी इतनी नहीं है। और जलेबी का नमकीन के बाद मीठा खाते हैं जयपुर में, ये कॉम्बिनेशन सुपर हिट है। बहुत बढ़िया, असली स्वाद तो अब है, कंप्लीट स्वाद हुआ है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मज़ा आ रहा है भैया। जयपुर में शंकर समोसा के पास 46 साल पुरानी दुकान है और ये चार मेन आइटम है इनके। अब मैं खाने जा रहा हूँ इनकी दाल कचौड़ी। माइक पकड़ते हो तेरा दोस्त, दाल कचौड़ी खाने जा रहा हूँ। वाह भैया, मेरे से तो रहा नहीं जाता। दाल की स्टफिंग में क्या खास है, इनके सीक्रेट मसालों के बारे में बात करेंगे क्या? हाँ, पूछेंगे क्या वो? हाँ हाँ, हींग का जबरदस्त टेस्ट है, दाल तो है बहुत बढ़िया बनी हुई है। समोसा देखो इनका, समोसा इनका, हाँ हाँ हाँ, जल्दी से प्राइस बता दें ना। इस समोसे का प्राइस है 20 रुपए, दाल कचौड़ी का प्राइस है 20 रुपए, प्याज कचौड़ी का प्राइस है 25 रुपए, जलेबी है आई गेस 80 रुपए की मेरे ख्याल से, देसी घी की 80 रुपए की 100 ग्राम या 200 ग्राम कुछ ऐसे इसका प्राइस है। 340 रुपए किलो जलेबी है, देसी घी में बनती है, शुद्ध देसी घी में, और मिर्ची वड़ा भी सिर्फ 25 रुपए का है, तो आई गेस ये वर्थ है। और इनका समोसा खा के देख रहा हूँ भाई, ये समोसा है अच्छा यार, वाकई में अच्छा है, इनकी सारी चीज़ बहुत अच्छी है और मतलब वर्थ है आना यहाँ पर। तो भैया अगर आप जयपुर में हैं, जयपुर के आसपास हैं, तो एक बार शंकर समोसा भी ज़रूर आइए। राजा पार्क में इनकी शॉप है ये, और वैदिक कन्या महाविद्यालय उसके बिल्कुल सामने, राजापुर, राजा पार्क जयपुर। हाँ बिल्कुल, और अगर जयपुर में इसके अलावा आपको कहीं और की कचौड़ी और समोसे पता है तो हमें वो भी बताइएगा, हम वहाँ भी जाएंगे और आपके लिए टेस्ट करके ज़रूर बताएंगे कि उसमें क्या खास है। YouTube पे सब्सक्राइब कर दीजिए, Facebook पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, बने रहिए किशोर फूड चैनल के साथ। बाय बाय।